बिग बॉस सीजन 11 वर्सेस अक्षय कुमार, इसका मतलब यही हुआ कि सलमान वर्सेस अक्षय। माना जा रहा था कि दोनों में झगड़ा है, लेकिन नहीं जनाब, अक्षय कुमार साहब आने वाले हैं बिग बॉस सीजन 11 के ग्रैंड फिनाले में। हेलो नमस्कार आदाब, मैं हूं अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। तो जनाब बात चल रही है बिग बॉस 11 के उस मंच के बारे में, जिस मंच पर माना जा रहा था कि इस सीजन में अक्षय कुमार साहब दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जनाब ये सारी बातें अफवाह निकली, स्पेशली ये बात कि सलमान और अक्षय के बीच झगड़ा चल रहा है। हालांकि अक्षय ने इन दोनों के बीच के कोल्ड वॉर को तभी खत्म कर दिया था जब वो टाइगर जिंदा है की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने के लिए पहुंचे थे। और एक बार फिर से सलमान खान साहब अपने मंच पर लेकर आ रहे हैं अक्षय कुमार साहब को, जहां पर अक्षय कुमार बिग बॉस सीजन 11 के ग्रैंड फिनाले में लाइव प्रमोशन करेंगे अपनी फिल्म पैडमैन का। जी हां, अक्षय कुमार और सलमान खान साहब दोनों एक बार फिर से साथ में दिखाई देने वाले हैं बिग बॉस सीजन 11 के ग्रैंड फिनाले में। बहरहाल आपको बता दें कि 14 जनवरी को होने वाला है बिग बॉस सीजन 11 का ग्रैंड फिनाले। पूरी तैयारियां हैं, जोरों पे चल रही हैं। इस इवेंट को, ग्रैंड फिनाले को खास बनाने के लिए कई सारी तैयारियां की जा रही है। और इसी तैयारी के बीच सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई है कि अक्षय कुमार साहब भी पहुंचने वाले हैं इस ग्रैंड फिनाले में, जहां पर वो अपनी अपकमिंग फिल्म पैडमैन को प्रमोट करेंगे। जी हाँ, जहां अब तक सलमान खान साहब की टाइगर जिंदा है का जलवा है, तो अब बारी है अक्षय कुमार साहब की फिल्म पैडमैन की। और इसी के साथ दिखने वाला है अक्षय और सलमान का ब्रो रोमांस, यानी कि सलमान अपनी पूरी दोस्ती निभाने वाले हैं अक्षय की फिल्म पैडमैन को प्रमोट करने के साथ। तो इस तरीके से जहां एक तरफ बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले जो कि 14 जनवरी को होने वाला है उसकी तैयारियां जोरों पर है, वहीं पर अक्षय कुमार साहब अपनी फिल्म पैडमैन की प्रमोशन को भी जोरों शोरों से कर रहे हैं। पर इन सारी खबरों के साथ एक बात तय है कि सलमान और अक्षय के बीच का कोल्ड वॉर हो गया है खत्म। फिल्मी बीट के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बिग बॉस के घर से जुड़ी, बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फिल्मी बीट को।